फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों, खटमल अगर एक बार घर में घुस जाते हैं तो फिर निकलने का नाम नहीं लेते हैं। हम लोग जो है महंगी महंगी दवाइयां लाते हैं और महंगे महंगे घर में जो है स्प्रे करवाते हैं हम, फिर भी हमें फ़ायदा हासिल नहीं होता। तो आज जो है मैं आप लोगों के जो लिए रेमेडी लेकर आई हूँ, इससे आपको बहुत ज़बरदस्त रिजल्ट मिलेगा दोस्तों, और आपके घर में से खटमल फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। तो सबसे पहले मैंने क्या किया है, यहाँ पर मैंने एक बॉक्स ले लिया है और इसके अंदर तकरीबन एक गिलास जो है मैं पानी डालूंगी दोस्तों, ठीक है, इस तरीके से। और साथ में जो है मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने अजवाइन ली है, ठीक है। तो ये अजवाइन जो है ना, आप लोगों को तकरीबन आधी प्याली अजवाइन लेनी है एक गिलास पानी में, ठीक है। और अगर आप लोग ज़्यादा बना के रखना चाहते हो तो आप लोग जो है ज़्यादा मतलब पानी क्वान्टिटी बढ़ा दें, यानी कि ठीक है एक गिलास मैंने लिया है तो आप लोग दो गिलास ले लें, ठीक है, इस तरीके से। अच्छा, यहाँ पे जो है मैंने डिटॉल लिया है तकरीबन 2 से 3 चम्मच जो है मैं यहाँ पे डिटॉल डाल रही हूँ दोस्तों, और साथ में मैंने यहाँ पे क्या किया है, पुदीने की टैबलेट मैंने ली है दोस्तों, ठीक है। ये आराम से आपको मार्केट में मिल जाएगी और ये भी जो है हम लोग इसके अंदर मिक्स करेंगे दोस्तों, ठीक है। बहुत ज़बरदस्त ये महलून बनने वाला है, इससे जो है आपके घर में से खटमल फौरी तौर पर ख़त्म हो जाएंगे। और इसके अंदर जो मैंने अजवाइन डाला है, अजवाइन से जो है खटमल थोड़े परेशान हो जाते हैं और बेहोश हो जाते हैं और फिर कुछ देर के बाद मर जाते हैं। तो आप लोग जो है ये रेमेडी ज़रूर बनाइएगा दोस्तों। अब आप लोगों को क्या करना है, इससे जो है 2-3 घंटे के लिए आप लोग जो है ढक्कन ढक के रख दें, ठीक है, ताकि इसके अंदर जो हमने सारी चीज़ें डाली हैं वो अच्छी तरीके से इसके अंदर मिक्स हो जाए। फिर आप लोगों को क्या करना है, एक स्प्रे वाली बॉटल लेनी है आप लोगों को, ठीक है, और स्प्रे वाली बॉटल में इसे जो है छान कर आप लोगों को निकालना है और फिर आप लोगों को स्प्रे करना है जहाँ जहाँ खटमल है, फौरी तौर पर जो है खटमल आपके घर से ख़त्म हो जाएंगे। तो दोस्तों, अभी मैं इजाज़त चाहती हूँ, आप लोग जो है कॉमेंट किया करें, लाइक किया करें और जो नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें प्लीज़, ठीक है दोस्तों। अब इजाज़त चाहती हूँ, बहुत बहुत शुक्रिया।